हमारे चैनल टेंपल जर्नीज में आपका स्वागत है। आज हम सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर मंदिर के दर्शन को जा रहे हैं, जो कि लंदन के करीब हैरो में स्थित है। अब हम पाल्मस्टन रोड राउंड अबाउट पे हैं और सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर बस इसी के करीब है। आपको दाहिनी ओर जो लाल रंग की इमारत दिखाई दे रही है, बस वही सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर है। अब हम यहां के खुले कार पार्क में प्रवेश कर रहे हैं। आपकी दाहिनी ओर आपको जो इमारत दिखाई दे रही है, वो दूसरा कार पार्क है, जो कि इस मंदिर के बगल में है। इसका नाम पील हाउस कार पार्क है। अगर खुले कार पार्क में आपको खाली जगह नहीं मिलती, तो आप अपनी गाड़ी इस वाले कार पार्क में पार्क कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि ये कार पार्क शाम को 7:30 बजे बंद हो जाता है, तो आपको उससे पहले अपनी गाड़ी को यहाँ से हटाना होगा। दोनों ही कार पार्क में पहले घंटे तक आप बिना शुल्क पार्क कर सकते हैं। हमें खुले कार पार्क में जगह मिल गई, तो अब हम हमारी गाड़ी यहाँ पार्क करके सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की तरफ चलेंगे, जो कि आप आपके सामने दाहिनी तरफ देख सकते हैं। बाई तरफ पील हाउस कार पार्क है और दाहिनी तरफ सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर। अब हम सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से हम रास्ता क्रॉस करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस इमारत की चारों तरफ सफ़ेद रंग की दीवार है और दीवार के खंभों पर हाथी तथा अन्य शिल्प हैं। इस सड़क का नाम है ग्लैडस्टोन वे। थोड़ा और आगे चलते हैं और अब हम इसके मुख्य द्वार की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे दो खंभे हैं, वहाँ पे सिंह के शिल्प हैं और आप यहाँ मंदिर का नाम देख सकते हैं। ये इस तरफ दो झंडे लगे हुए हैं, एक भारत का झंडा है और एक यूनियन जैक लगा हुआ है। अब इस मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर आते से ही यहाँ एक नोटिस बोर्ड है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें लगी हुई है, जिसमें बाबा रामदेव हैं, ब्रिटेन की रानी हैं, ये धीरेंद्र शास्त्री दिखाई दे रहे हैं, जो कि 2022 में यहाँ आए थे। और भी तस्वीरें हैं जहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे, जिसका आयोजन यहाँ पे किया जाता होगा, वो तस्वीरें यहाँ लगी हुई है। और यहाँ पे जूते निकालने के लिए जगह है तथा इस नोटिस बोर्ड के दोनों तरफ दरवाजे हैं अंदर मंदिर में प्रवेश करने के लिए। इस द्वार से अब हम अंदर प्रवेश करेंगे। आपके सामने आप भगवान की मूर्तियाँ देख सकते हैं और यहाँ पे दोनों दरवाज़ों के बीचों बीच एक त्रिशूल है और ऊपर दीवार पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी शेषनाग पर बैठे हुए ऐसी तस्वीर है। मंदिर के दोनों तरफ बहुत सी कुर्सियाँ हैं, तो इससे ऐसा पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम होते होंगे। अब इन मूर्तियों को थोड़ा करीब से देखते हैं।
तो यहाँ आपके सामने सबसे ऊपर वाले मंच पे है दुर्गा माँ, उनके नीचे है राम लक्ष्मण सीता तथा गणेश जी और हनुमान जी, और उसके नीचे गायत्री माँ। अब यहाँ बीच में लक्ष्मी नारायण हैं और उनके दोनों तरफ दो तस्वीरें हैं, एक तरफ है बागेश्वर बालाजी की तस्वीर और दूसरी तरफ सन्यासी बाबा की तस्वीर। इस तरफ आप देख सकते हैं कि काली माँ हैं और उनके दूसरी तरफ महादेव है, नीचे जलाराम बापू है और राधा कृष्णा है बीच में नीचे वाले मंच पे। एक बार लक्ष्मी जी विष्णु जी को दोबारा से देखते हैं, और ये जो तस्वीर मैं आपको बता रहा था जो कि सन्यासी बाबा की है। और यहाँ पे शिवलिंग है जहाँ पे आप अभिषेक कर सकते हैं, उसके पीछे साईं बाबा की मूर्ति दिखाई दे रही है, और ऊपर वाले मंच पर जैसा कि मैंने पहले कहा माँ काली और महादेव, और इस तरफ हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी खड़े हैं और बहुत ही सुंदर मूर्ति है ये, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। और उनके बगल में एक छोटे से हनुमान जी भी हैं जहाँ पे भी आप तेल वगैरह चढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक बड़ा मंच है जिसे स्टेज कहा जा सकता है, जिस पर ये सारी मूर्तियों को स्थापित किया गया है, और हमें ऐसा पता चला है कि यहाँ पर बहुत से भजन कीर्तन प्रवचन आदि के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आपको एक बार दूर से दिखाते हैं ये कैसा दिख रहा है। तो ये स्टेज है जिसके ऊपर ये मूर्तियाँ हैं, और जब भी ये भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे वो लोग बैठ के स्टेज पे बैठ के वो करते हैं, और जो श्रोताजन है वो यहाँ खाली जगह में बैठते हैं और यहाँ जो कुर्सियाँ रखी हुई हैं उस पर बैठते हैं। अब लौटने से पहले दोबारा से एक बार यहाँ खड़े होकर इन मूर्तियों का दर्शन करते हैं। बहुत मनोहर दृश्य है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे आप शिवलिंग पे अभिषेक कर सकते हैं, हनुमान जी की मूर्ति पे सिंदूर तथा तेल चढ़ा सकते हैं, उसके लिए यहाँ कोई रोक नहीं है। अब हम इस वाले दरवाजे से निकलकर कार पार्क की ओर चलेंगे, इस मुख्य द्वार से हम बाहर निकलेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं और एक बार दोबारा से मंदिर की इमारत को देखते हैं, सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर। अब हम कार पार्क की ओर चलेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे अन्य वीडियोस भी पसंद आ रहे हैं। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकॉन दबाना न भूलिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।